एवरी वन सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन सो गाइस अगर एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम टाइम है तो हम एक एक लाइन पढ़ लें ये पॉसिबल नहीं है कि क्लाइन एक एक, एक, एक वर्ड पढ़ लें तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ सकते हैं तो वही हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें सेल साइकिल एंड सेल डिविजन के हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे तो सबसे पहले सेल साइकिल को स्टार्ट करते हैं इस लाइन पर आइए द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाई व सेल डुप्लीकेट इट जिनोम सिंथेसा द अदर कॉन्स्टिटुएंट ऑफ सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इन टू टू डॉटर सेल तो ये सेल साइकिल की डेफिनेशन दे दी गई जिसमें बताया गया है सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को डिवाइड करता है दो टॉटर सेल में इसको हम सेल सरसाइकिल बोलते हैं नेक्स्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट है सेल ग्रोथ जो होता है साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के टर्म में ये तो लगातार होते रहता है मतलब साइटोप्लाज्म का इंक्रीज लगातार होते रहता है मतलब सेल का ग्रोथ भी लगातार होगा लेकिन जो डीएनए का सिंथेसिस होता है ना वो एक पार्टिकुलर फेज में होता है पार्टिकुलर स्टेज में होता है सेल साइकिल के ऐसा नहीं कि हमेशा ही होते रहता है डी का सिंथेसिस अब हम लोग बात करते हैं फेज ऑफ सेल साइकिल सेल साइकिल के दो फेज आते हैं एक आते हैं इंटरफेज और एक आता है एम फेज इंटरफेस के अंदर क्या आता है कि ये जो होता है ना जब सेल डिवाइड नहीं करते रहता है ना तो वो जो स्टेज होता है वो इंटरफेस होता है नाइन्टी फाइव परसेंट टाइम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है इंटरफेस होता है और एम फेज जो होता है ना वो बहुत कम नियरली फाइव परसेंट जो टाइम होता है वो एक्चुअल डिवीज़न होता है जैसे कि अगर ह्यूमन सेल की बात करते हैं द ह्यूमन सेल जो होता है वो ट्वेंटी फोर आवर्स में सिर्फ एक आवर के लिए डिवाइड करता है और ट्वेंटी थ्री आवर्स अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए दैट इज इंटरफेज अब देखो इंटरफेज को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं जी वन एस एंड जी टू जी वन इज गैप वन फेज एस फेज इज बेसिकली सिंथेसिस फेज एंड दिस इज द जी टू फेज एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जैसे हमने बताया कि जो ह्यूमन का सेल है वो ट्वेंटी फोर आवर में सिर्फ एक आवर के लिए डिवाइड करता है वैसे ही ईस्ट का सेल जो है वो नाइन्टी मिनट में अपना सेल साइकिल को प्रोग्रेस करता है कंप्लीट करता है ओके अब यहाँ पे देखो जीवन एस जी टू में क्या होता है तो वो हम लोग देखेंगे जीवन में सेल जो होते हैं वो मेटाबोलिकली एक्टिव होते हैं लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है एस फेज के दौरान क्या होता है यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है मतलब अगर पहले किसी सेल में डीएनए का अमाउंट टू सी है तो डीएनए का अमाउंट डबल हो के फ़ोर सी हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम के नंबर पे कोई चेंज नहीं आता है क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहता है अब हम लोग बात करते हैं एस फेज के दौरान जब हमने डीएनए का रेप्लिकेशन तो देख लिया डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है उसी तरह सेंट्रियोल का जो डुप्लिकेशन होता है वो कहाँ होता है वो होगा साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा जी के अंदर क्या होता है वो प्रोटीन बनते हैं जो माइटोसिस के लिए यूज़ आते हैं और सेल ग्रोथ जो होता है वो कंटिन्यू होते रहता है अब देखो जो एम फेज है इसको हम आगे भी पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एम फेज जो होता है पहले न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट करता है उससे क्या होता है कि सेपरेशन होता है डॉटर क्रोमोसोम का डॉटर क्रोमोसोम के सेपरेशन को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं उसके बाद क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिसको कि हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं जबकि क्या बोला जाता है कि इंटरफेज को सोचा जाता है कि रेस्टिंग फेज़ है ऐसा नहीं है कि सेल एकदम कंप्लीट रेस्ट में होता है वो प्रिपेयर करते रहता है डिवीजन के लिए जैसे कि हमारा एग्ज़ाम हमारा एग्ज़ाम तीन घंटे का होता है नीट का पेपर लेकिन प्रिपेयर तो पूरे साल करते हैं उससे भी ज़्यादा साल से प्रिपेयर करते हैं तो वैसा ही जो पूरा प्रिपेयर साल भर प्रिपेयर किया वो इंटर है जो तीन घंटे का एग्ज़ाम होता है जहाँ एक्चुअल काम होता है वो होता है एम फेज़ तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का देखेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो